हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टेस्ट नंबर फाइव करेंगे यू पी पी के लिए जीएस का मॉक टेस्ट यू पी पी का जो पेंडिंग एग्जाम है री एग्जाम जिसका होना है उसका जीएस का मॉक टेस्ट करेंगे जीएस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज़ प्लस इसके सेक्शनल टेस्ट के साथ प्लस हिंदी के टेस्ट के साथ बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या प्रिंट कॉमेंट में लगा दिया जाएगा उसके अलावा आप 2021 की यू पी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आपको हमारे मटेरियल से पढ़ना होगा हमारे टाइम प्लान को फॉलो करके हमारे टेस्ट को देते हुए आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रिलिम्स तक की पहला क्वेश्चन है जी का सत्ताईस नंबर चालू है एक तरफ प्राचीन राजधानियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ जिस राज्य की वो थी ठीक है तो जज नगर जो है वो ओडिशा की कैपिटल थी तिरहुत जो कैपिटल थी वो नॉर्थ बंगाल या बिहार की हम लोग कह सकते हैं थी उसके बाद आपकी बंग किसकी थी ईस्ट बंगाल की और कामरूप किसकी असम की तो इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू फोर थ्री वन सही मिलाया हुआ है और ये हमने सामने सही मिलाया हुआ है हमारे की में अब इनमें से सही कथन का चयन करना है तो पहला कथन कह रहा है कि बलबन की मृत्यु के बाद रजिया सुल्ताना को बंगाल का सूबेदार बनाया गया जो कि गलत है बंगाल का सूबेदार जो है बुगरा खान को बनाया गया था तो ये इनकरेक्ट हो गया बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खान जो है एम्पर बना था ये गलत है बलबन की मृत्यु के बाद कौन बना था बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारा आंसर हो जाएगा नन दोनों में से कोई भी सही नहीं मिला हुआ है या फिर सही स्टेटमेंट नहीं है जलालुद्दीन खिलजी बारह सौ नब्बे ईस्वी में गद्दी पर बैठा यह करेक्ट है उसके बाद लिखा है कि जो खिलजी लोग थे वो खल से आए थे जो कि ईरान का हिस्सा है खिलजी लोग आए थे आपके टर्क से टर्किश से आए थे टर्की से टर्की वाले रीजन से अफगानिस्तान का जो ट्रांजिशन एरिया था वहाँ से आए थे तो ये वाला इन करेक्ट था ईरानी नहीं थे तुर्की थे खिलजी लोग तो हमारा आंसर हो गया ओनली वन ठीक है ऑप्शन नंबर ए अब ये शासक जैसे जैसे बने हैं तुगलक वंश में इनको अरेंज करना है सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कौन बना था जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी गयासुद्दीन तुगलक बना फिर उसका पुत्र बना मोहम्मद बिन तुगलक फिर उसका भतीजा बना फिरोज शाह तुगलक तो गयासुद्दीन मोहम्मद फिरोज शाह थ्री वन टू यहाँ पर करेक्ट आंसर करेक्ट ऑर्डर बनेगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसमें से कौन सा यात्री उनका लेखन सही सुमेलित नहीं है वेन सांग ने लिखी थी सी यू की ठीक है करेक्ट है हैंग हर्षवर्धन के समय यहाँ पर आया और उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है सी यू की तारानाथ ने लिखा है बौद्ध धर्म का इतिहास ये करेक्ट है इब्न बतूता ने अपना जो वृत्तांत लिखा है वो रहला में लिखा है तहकी हिंद जो है ये अलबरूनी का है ये जो है गलत मिलाया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया महाजनपद काल में बरेली बदायूं फरूखाबाद जो इस समय आपका रो, रोहिलखंड रीजन है इसके वर्तमान ज़िलों को शामिल करता है और इसने वैदिक काल में अपना प्रमुख स्थान खो दिया था तो कौन सा ये आपका रीजन की बात की जा रही है ये है पंचाल ऑप्शन नंबर ए विजयनगर के किस शासक को भुजा बाला की उपाधि धारण थी भुजा बाला की उपाधि ली थी वीर नरसिम्हा ने ऑप्शन नंबर सी वीर नरसिम्हा ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था अंग्रेजों ने किस वर्ग की जो है रचना की थी बताना है विच क्लास वॉज द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश ने कौन सा क्लास क्रिएट किया यहाँ पर आकर के लैंडलॉर्ड लैंड लॉर्ड क्रिएट किए थे ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन नंबर सी रणजीत सिंह ने किस वर्ष में जम्मू और अमृतसर का अधिग्रहण किया था रणजीत सिंह ने अधिग्रहण कर लिया था जम्मू अमृतसर का 1805 में ऑप्शन नंबर सी छत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा था तो हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया था चमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ को पंडित जगत नारायण को सरदार साहबजादा सुल्तान अहमद खान को तो ये तीनों ही तीनों शामिल थे आंसर हो जाएगा हमारा डी ये इतने ही भारतीय जो है इस इंक्वायरी समिति का इंक्वायरी समिति का हिस्सा थे ऑप्शन नंबर डी विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की, की गई थी विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी उन्नीस में ऑप्शन नंबर बी रष्ट नामक रोग जो है सबसे ज्यादा किस फसल को प्रभावित करता है या फिर हम लोग कह सकते हैं रष्ट जो है कि कौन सी क्रॉप में लग जाता है तो रश्ट वैसे तो कई चीज़ों में लगती है आपकी लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वीट को क्योंकि ब्लैक रस्ट इसमें लग जाती है ब्राउन रस्ट भी लग जाती है ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है वो तो हमको बता सकता है कि वीट में किस फंगस से ब्लैक रस्ट हो जाती है आप लोग सर्च करके जल्दी से हमको कॉमेंट करके बताइए मक्का के दानों में सर्वाधिक किस चीज़ की प्रचुरता देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा मक्के के दानों में होता है कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी ठीक है कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होगा वैसे तो फैट प्रोटीन भी होगा पाँच पाँच परसेंट लेकिन ज़्यादातर है इसमें कार्बोहाइड्रेट सिंधु जो है ये किसकी वैरायटी है किस फल का प्रकार है सिंधु तो सिंधु जो है ये आम का प्रकार है ऑप्शन नंबर ए अब यहाँ पर इंस्क्रिप्शन दिए हुए हैं यानी अभिलेख और शासक जिनके बारे में उस इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ है तो बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है प्रयाग है बिलसड़ है भीतरी है और मंदसौर है तो किस किस शासक के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में है करेक्ट है बिलसड़ जो है ये आपका कुमार गुप्त के बारे में है करेक्ट है आपका भीतरी ये स्कंदगुप्त के बारे में है करेक्ट है और मंदसौर जो है ये बंधु वर्मन के बारे में है ये भी करेक्ट है आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी डी वन टू थ्री फोर सामने सामने सही मिलाया हुआ है वृहत संहिता के लेखक कौन है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है वन लाइनर इसका आंसर हो जाएगा वाराह मिर वाराह मिर ने लिखी है वृहत संहिता ऑप्शन नंबर बी निम्न में से अंतिम बौद्ध अनुयायी शासक या राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था तो ये था हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर डी संगमकालीन लेखक जो है प्राचीन बंदरगाह का कावेरीप्टनम को किस नाम से जानते थे कावेरीपट्टनम को पुहार के नाम से जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी और आज मॉडर्न में इसे किस नाम से जानते हैं नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है ठीक है तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर डी किस शासक ने इसको बनवाया था कावेरीपट्टनम को अगर ये पूछ ले तो तो चोल शासक कारिकाल बनवाया था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है लखनऊ में ऑप्शन नंबर ए रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है रामगंगा प्रवेश करती है बिजनौर से ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष लागू हुई थी सामाजिक वानिकी कृषि आयोग ने सबसे पहले इस टर्म को दे दिया था 1976 में ही उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली इसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था उन्नीस में कई जगह पर बहुत सारी बुक्स में किसी ने उन्यासी लिखा है किसी ने छिहत्तर लिखा है मैंने चेक किया है काफी सारे सोर्सेस से वर्ल्ड बैंक के रेफरेंस से भी पता चलता है कि उन्नीस में ही शुरू हुई थी ऑप्शन नंबर डी सोशल फॉरेस्ट्री तो बुक्स में ये गलत दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा आप लोग जिसमें जिसमें गलत दिया है अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाओ केंद्र की स्थापना की गई है तो पुनर्वास हेतु बचाओ केंद्र खोले गए हैं मथुरा में खोला गया है मतलब मथुरा में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इटावा लिखा है इसको इग्नोर करिएगा मथुरा होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर्मा, कर्मा चैत रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित होता है चैत रामनवमी मेला होता है आपका अयोध्या में ऑप्शन नंबर सी अयोध्या हाल ही में जारी भारत न्याय रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस के मामले में पहले स्थान पर इस रिपोर्ट में है महाराष्ट्र और आपको बता दें ये किसी मिनिस्ट्री की या फिर कह सकते हैं हम लोग नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं थी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने इसको जो है इधर उधर के इनिशिएटिव्स के साथ मिलकर के डेवलप किया जिसमें टाटा ट्रस्ट भी शामिल है तभी आ सकता है एग्जाम में हमारा आंसर होगा सी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में डिलीवरी ऑफ जस्टिस के मामले में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इसका सृजन हुआ था 2000 में वर्ष 2000 में लिखा हुआ जो कि रॉन्ग है वर्ष 2010 में शुरू हुआ है ये और इसकी अध्यक्षता करते हैं आरबीआई के गवर्नर लिखा हुआ है ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता करते हैं वित्त मंत्री तो दोनों ही यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे आंसर हो जाएगा डी कोई भी जो है सही नहीं है निम्न में से कौन सा कथन व्यवसायिक रोगों के संबंध में सही है ऑक्युपेशनल डिसीज कौन सी हो सकती है ऑक्युपेशनल डिसीज एक डिसऑर्डर हो सकता है जो काम आप करते हैं या फिर जहाँ पर काम करते हैं उसकी कंडीशंस पर आधारित मान लीजिए कोई कॉटन फैक्ट्री में काम करता है तो कॉटन डस्ट उसके लंग में जा सकती है कोई बहुत ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उसको हेरिंग इम्पेरमेंट हो सकता है हीरिंग इम्परमेंट हो सकता है हेरिंग डिसऑर्डर हो सकता है उसी प्रकार से कोई बिजली के उपकरण बनाने वाली चीज़ों में काम करता है इलेक्ट्रिकल में तो उसको जो है आ, एसबस्टोसिस हो सकता है जो स्विच बनाने की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनके लंग्स में जो है एसबेस्टस की डस्ट चली जाती है तो ये सब जो है ऑक्यूपेशनल डिजीजे मानी जाएंगी या ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स माने जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर निम्न में से कौन सा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य नहीं है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जी जिसको मैं कभी कभी देश का अमेजोन बोलता हूँ सरकारी ऑफिस का अमेजॉन है तो ये एक सार्वजनिक मंच प्रदान करता है तो इसमें हमेशा मीज़ वाले और जो भी छोटे व्यापारी हैं अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जुड़ करके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरकारी ऑफिसिस को सप्लाई कर सकते हैं और उनका पेमेंट वगैरह भी सब ठीक से मिल जाता है ठीक है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म दिलाया ठीक उसके बाद मिडिल मैन रिड्यूस करना बिल्कुल पहले जो है सरकारी ऑफिस प्रोक्योर करवाते थे ठेकेदारों से तो एडिशनल कॉस्ट लग जाती थी उसकी अब डायरेक्ट जो है ई e शॉपिंग की तरह है सरकारी ऑफिस अपना बुक करेंगे सामान सामान उनके दफ्तर में आएगा और उनका पेमेंट होगा तो मिडिल मैन हटा सही है उसके बाद है कि प्रोवाइड डायरेक्ट परचेज टू बायर्स ठीक है कर, आ, क्रेताओं को सीधी खरीद उपलब्ध कराना बिल्कुल क्रेता कौन है गवर्नमेंट ऑफिस और विक्रेता कौन है एम एस छोटे व्यापारी पब्लिक जो दुकानदार हैं वो सब लोग डायरेक्ट सरकारी ऑफिस में अपना सामान बेच सकते हैं जबकि पहले क्या होता था कि बड़े डीलर पहले कॉन्टैक्ट करते थे तो उनका कमीशन होता था ये सब चीज़ें तो ये भी सही है लेकिन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज का ऐसा कोई मेजर उद्देश्य नहीं है तो कौन सा उद्देश्य नहीं है जी का ऑप्शन नंबर डी विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कब सृजित किया गया था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अस्तित्व में आया उन्नीस में क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो ये फिर सृजित किया गया ऑप्शन नंबर बी एस एक्ट आया था इसके बाद उन्नीस में और इसने इसको जो है लीगलाइज किया और अगर पूछ ले कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था बीरबल नाथ समिति की रिकमेंडेशन पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्रिएट किया गया नवंबर 2019 में भारत सरकार और किस नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं ये रिवर है फैनी फैनी रिवर जो है ये साउथ त्रिपुरा से निकलती है सबरूम नाम की जगह से और फिर जो है वे, वे, वेस्ट बंगाल सॉरी बांग्लादेश में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो इसकी वाटर शेयरिंग को लेकर के विवाद था जो कि इस एग्रीमेंट से सुलझा लिया गया तो रिवर का नाम क्या है फैनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो आखिरी बार आई थी 2017 में भारत सरकार ने मातृ मृत्यु दर को 2020 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा है ये बचा ये बताना है ठीक है कितना तक करना है एक था उस समय पर जब अनाउंस किया गया और इसको कह रहे हैं कि 2020 तक ले आएंगे 100 तक ठीक है ये लक्ष्य था एक इम्पॉर्टेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी में से मातृ मृत्यु दर को कम करने का समुद्र शक्ति जो है ये एक सैन्य अभ्यास है यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है यानी कि नौसेना अभ्यास है ये वाला रॉन्ग हो गया और ये इंडोनेशिया और भारत करते हैं समुद्र शक्ति मैरीटाइम एक्सरसाइज ये करेक्ट है आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट जो है इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है तो नेफ्ट को रेगुलेट करता है आपका रिजर्व बैंक पेमेंट गेटवे टाइप का जो भी होगा वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हाल ही में केंद्र और राज्य के सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त सम्मेलन हुआ था कोलकाता में ऑप्शन नंबर ए काला पानी विवाद ये खबरों में था ये विवाद जो है ये किससे संबंधित है भारत का ये विवाद है नेपाल और भारत का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा सी काला पानी विवाद संबंधित है नेपाल से इनमें से किस राज्य ने प्लान किया था कि वो अपने सभी राज्य के नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सेवा मुहैया करवाएंगे दिसंबर 2020 तक हालांकि कोविड 19 की वजह से सारे प्रोजेक्ट पीछे होंगे लेकिन अनाउंस किया गया था कि केरल में सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी व्यक्ति के पास मुफ्त इंटरनेट की सुविधा सरकार की तरफ से ऑप्शन नंबर बी सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी 2019 का हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजन हुआ ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेस ये आयोजित हुआ था बेंगलुरु में ऑप्शन नंबर बी सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के संबंध में सही कथन बताइए क्या होगा इसका सृजन 2006 में किया गया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक परिषद है ये लिखा हुआ है दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसके बारे में सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में आंसर हो जाएगा हमारा सी बोथ जैव ईंधन नीति जो आई थी 2018 में इसके अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण करना है पेट्रोल में तो इथेनॉल में 20 परसेंट तक मिक्स करने वाले हैं मतलब पेट्रोल में 20 परसेंट तक इथेनॉल मिक्स करने वाले हैं और बायोडीजल मिक्स किया जाना है डीजल में पाँच परसेंट ठीक है तो ये लक्ष्य है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की तरफ से राष्ट्रीय ईंधन नीति जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किस राज्य ने किया था अगर पूछ ले तो इसका आंसर होगा राजस्थान आगे है कि हाल ही में गठित या सृजित राष्ट्रीय जल नीति की अध्यक्षता किसने की थी राष्ट्रीय जल नीति की अध्यक्षता की थी मिहिर शाह ने ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था स्वच्छ निर्मल तट अभियान था पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ऑप्शन नंबर सी काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है यह है गुजरात में ऑप्शन नंबर ए साहित्य का नोबल पुरस्कार 2019 लिटरेचर के लिए किसे मिला है 2018 का अनाउंस कर दिया गया था 19 का एक साथ दो हज़ार अठारह का मिला है ओल्गा टोकाजुक को ये पोलैंड से हैं और दो हज़ार उन्नीस का अगर पूछ ले किसे मिला है तो ये मिला है पीटर हैंडके को ये ऑस्ट्रिया से हैं ऑप्शन नंबर ए दो हज़ार उन्नीस का पीटर हैंडके को अब दो हज़ार बीस का मत पूछिएगा दो हज़ार बीस का साल के अंत में आएगा साल के अंत में आता है नवंबर एंड में ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो हज़ार उन्नीस में इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है एक सौ दो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ लें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जकारिया जेंसन लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पूछ रहे हैं तो जॉर्ज स्टीफेंसन यहां पर सही मान सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब भी, भी आएगा एग्जाम में तो आप जकारिया जेंसन लगाएंगे उसमें फ्वैथोमीटर का उपयोग किस लिए होता है फ्थोमीटर का उपयोग किया जाता है डेप्थ ऑफ द सी मापने में ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कौन सा है? एक वर्चुअल फोर्स यानी कि आभासी बल है आभासी बल है आपका सेंट्री फ्यूगल फोर्स ऑप्शन नंबर सी स्थिर पानी में यदि हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो मच्छर कम हो जाते हैं ठीक है उनकी ब्रीडिंग कम हो जाती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्वा जो होते हैं वो स्थिर पानी में स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं और जब मिट्टी का तेल उनके ऊपर पड़ जाता है तो वो लेयर बना देते हैं और फिर ब्रीथिंग नहीं हो पाती है रेस्पिरेशन लावा का प्रभावित होता है ठीक है लावा ब्रीथ नहीं कर पाता है ऑप्शन नंबर सी और लावा मर जाता है तो मस्कीटो बनेगा ही नहीं दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है ये डिक्रीज होता है ठीक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन मतलब ये जो है प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट आइस का घट जाता है ऑप्शन नंबर ए सी वी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित अध्ययन के लिए फिर उसको रमन इफेक्ट बोला गया था फॉर द स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से किस रसायन को हम लोग शोरा के नाम से भी जानते हैं तो रसायन शोरा है आपका पोटेशियम नाइट्रेट शॉल्ट पीटर जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट है ऑप्शन नंबर बी जो बाद में गनपाउडर का बेसिक मटेरियल बनता है हमारा सॉलिड कैम्फोर या फिर ठोस कपूर जो है ये उड़ जाता है रखे रखे इसको क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को इसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध मतलब कपूर जो है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता डायरेक्ट गैस फॉर्म में उड़ जाता है वेपर फॉर्म में जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है तो वाटर डिकम्पोजिशन में ऊर्जा निकलती है हीट के फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी और जल अपघटन का क्या मतलब है कि वाटर जो है जब ब्रेक होता है अपने कंपोनेंट में हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तो हीट निकलती है खाना बनाने के प्रयोग में जो गैस लाई जा सकती है बायोगैस उसमें क्या होता है उसमें होता है अमिथेन ठीक है ऑप्शन नंबर सी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा शुद्ध जल ना एसिड की तरफ होगा ना बेसिक की तरफ तो इसका सात से कम भी नहीं होगा सात से ज्यादा भी नहीं सात होगा पीएच वैल्यू प्योर वाटर का मामूली जो कट लग जाते हैं जो घाव हो जाता है मामूली घावों को फिटकरी रोक देती है हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है क्लॉटिंग हो जाती है सिंपली क्लॉटिंग हो जाती है लेकिन होती कैसे क्लॉटिंग तो देखिए जो प्रोटीन होते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं उनको जो है आपस में जुड़ना पड़ता है आपस में जुड़ने के लिए उनको चाहिए होगा चार्ज वो जो है चार्ज कहाँ से मिलता है एलम से एलम यानी कि फिटकरी जो है वहाँ पर उसके एलुमिनियम आयनस भी होते हैं ठीक है और सल्फेट आयन भी होते हैं वो जो चार्ज होते हैं और प्रोटीन को आपस में चिपकने में हेल्प करते हैं तो प्रोटीन जो है चिपक जाते हैं और क्लॉटिंग बन बन जाती है ब्लड में मतलब घाव पर क्लॉट जाता, जाता है तो और ज्यादा ब्लड बाहर नहीं आ पाता एग्रोस्टोलॉजी जो है कि इसकी स्टडी है एग्रोस्टोलॉजी स्टडी है घास की ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ पर होता है कार्बन साइकिल से क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस uh, के द्वारा इसका जो फिक्सेशन है स्टेबलाइजेशन नहीं कहेंगे फिक्सेशन कहाँ पर होता है इसका फिक्सेशन होता है ज्यादातर ओशियंस में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इनडायरेक्टली ये पूछा है जाइलम का कार्य क्या है जाइलम का कार्य है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वेस्कुलर प्लांट्स में जड़ों से लेकर के ऊपर तक ले जाता है फ्लोएम का कार्य क्या होता है फ्लोएम का कार्य होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है मधुमक्खी का इनमें से मुख्य कार्य क्या हो सकता है महत्वपूर्ण कार्य है मक्खी का यहाँ पर पॉलिनेशन ठीक है परागण करती है मक्खी जब एक जगह से दूसरे फूल पर जाती है तो पॉलन ग्रेन्स उससे चिपक जाते हैं मक्खी में और फिर वहाँ गिर जाते हैं पॉलिनेशन तो में हेल्प करती है काफ़ी ऑप्शन नंबर बी जिवा के शीर्ष पर जो आपकी स्वाद कलिकाएँ होती हैं किस तरीके के स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो तो शीर्ष पर जो होती हैं वो स्वीटनेस के लिए होती हैं साइड पर जो होती हैं वो बिटरनेस के लिए होती हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है हमारी आँख या फिर मानो नेत्र के पार्ट कौन कौन से हैं कॉर्निया है प्यूपिल है प्यूपिल जिससे लाइट एंटर करती है ठीक है इरिस जो है इसका पार्ट होता है प्यूपिल का जो रेगुलेट करता है कितनी लाइट एंटर कर रही है लेंस तो होता ही है एक्वस ह्यूमर भी होता है तो सभी के सभी जो आई में होते हैं ऑल ऑफ द अबाव ऑप्शन नंबर डी वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है यानी ट्रांजिशन जोन है उसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन जोन कहलाता है इकोटोन ऑप्शन नंबर ए टाइगा बायोम आपको कहां पर देखने को मिलेगा टाइगा जो है मिड से हाई लेटीट्यूड तक देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको किस तरह के बायोम में देखने को मिलेगी ये जो है इन्वायरमेंट की बुक्स में होता है सबसे ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऑप्शन नंबर डी आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि अगर हम तीन को कंपेयर करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है हम कंपेयर करें कोरल रीफ्स को और हम कंपेयर करें मैंग्रोव वेजिटेशन को तब किसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी जल्दी से कमेंट करके बताइए ये यूपी पी की टेस्ट सीरीज में हमारा क्वेश्चन था देखते हैं कौन इसका आंसर करता है पारिस्थिकी तंत्र यानी कि इको टर्म का सबसे पहले उपयोग किसने किया था ये किया था एजी टेंसले ने ऑप्शन नंबर बी निम्न में से कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं बताना है ठीक है एबायोटिक कंपोनेंट तो आपका टेम्परेचर हो गया एबायोटिक आपका वाटर हो गया एबायोटिक हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है और ह्यूमिडिटी भी एटमोसफेयर का पार्ट है तो ए बायोटिक हो गया फैट भी जो है आपका एबायोटिक हो गया कार्बोहाइड्रेट भी एबायोटिक हो गया बायोटिक कंपोनेंट क्या है टाइगर टाइगर जो है ये बायोटिक कंपोनेंट है तो टाइगर को छोड़ करके सारे हो जाएंगे एबायोटिक यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वन टू थ्री फोर फाइव एक्सक्लूडिंग सिक्स सारे के सारे अंगूर नींबू जैतून आदि वृक्ष जो है किस प्रकार की वनस्पति की विशेषता है तो ग्रेप्स लाइम और ऑलिव आपको मिलेंगे मेडिटरेनियन फॉरेस्ट में ऑप्शन नंबर ए सागरी बायोम में पाए जाने वाले प्लैंकटॉन समुदाय कितनी गहराई तक पाए जाते हैं तो प्लैंगटॉन समुदाय पाए जाते हैं 200 मीटर की गहराई तक भारत रामसर समझौते से कब जुड़ा था कब रेटिफाई किया इंडिया ने बताना है तो इंडिया ने रेटिफाई किया इसको उन्नीस में ऑप्शन नंबर सी कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा आपको कवाल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में ऑप्शन नंबर बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में ऑप्शन नंबर डी आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है ये है आपका कोलकाता में ऑप्शन नंबर सी थॉमस रो जो है ये हम लोग कह सकते हैं किस मुग़ल शासक के कोर्ट में आया था तो आया था जहांगीर के पास ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब कप किया गोवा को अपनी कैपिटल कब बनाया गोवा से पहले कोचीन कैपिटल हुआ करती थी पुर्तगालियों की और गोवा को कैपिटल उन्होंने बनाया 1530 में आप में से हमको कमेंट करके ये बताइए आप कि बॉम्बे को अधिग्रहित कब किया पुर्तगालियों ने अब बंगाल के इन शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है ठीक है जो सबसे पहले उसको पहले रखना है तो सबसे पहले यहाँ पर होगा कुली खान फिर होगा शाह सुजा यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं थ्री फोर उसके बाद होगा सरफराज खान उसके बाद अलीवर्दी खान हमारा आंसर हो जाएगा थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन क्या दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ सी सी है। में में ऑप्शन नंबर निम्न से किसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी शुरू हुआ था महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो जो है किस सिख मिसल से संबंधित थे तो रणजीत सिंह की मिसल थी सुखर चकिया सुकर चकिया मिस्ल से संबंधित थे राजा रणजीत सिंह टोटल मिलाकर के इनके समय में कितनी मिसलें हुआ करती थी बताइए कमेंट करके सावंतवादी विद्रोह 1944 में हुआ था इसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था तो दोनों ही यहां पर सही है आपका सावंतवादी के बारे में दोनों ही कथन सही है सी। निम्न में से जो है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है बताना है तो पायिका विद्रोह में जगत बंधु शामिल थे करेक्ट है। और रामोशी विद्रोह में चित्तर सिंह शामिल थे ठीक है कि तूर रिवॉल्ट जो है इसमें शामिल थी महारानी चेनम्मा तो ये इनकरेक्ट हो गया तो हमारा करेक्ट आंसर है वन एंड थ्री ओनली ऑप्शन नंबर सी एक सौ सात नंबर में अठारह सौ सत्तावन विद्रोह के नेता और कहां कहां पर उन्होंने जो है ये लीडरशिप संभाली थी स्थान दिया हुआ है तो कुंवर सिंह बिहार में आ रहा में करेक्ट है उसके बाद मौलवी अहमदुल्लाह लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है तो करेक्ट ने ग्वालियर में इलाहाबाद में, में लखनऊ में नहीं तो ये हमारे की थी इसकी स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने वैसे तो विडो रिमैरिज में काफी सक्रिय करसोनदास मूल जी भी रहे हैं लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी इनका एक अखबार है जो आपको याद रखना चाहिए गुजराती में जो आया था सत्यार्थ प्रकाश सत्य प्रकाश सत्य प्रकाश नाम था उसका सॉरी सत्यार्थ नहीं ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट है महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था मतलब कौन जो है रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार था ये बताना है तो इसमें भी लिटरली आपके जमींदार ही थे क्योंकि जमींदार जो है एक गांव को एक गांव के प्रमुख के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे खुद को तो एक गांव में जितनी भूमि होनी चाहिए रैयतों से कर ले करके वो पहुंचाते थे अंग्रेजों को महलवाड़ी में यही होता था ठीक है इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता था लंबरदार बोला जाता था ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है महलवाड़ी में रैयतवाड़ी व्यवस्था के भी थोड़े थोड़े गुण थे और आपके ज़मींदारी सिस्टम के भी दक्कन विद्रोह के बारे में है कि ये विद्रोह रैयतवाड़ी व्यवस्था के विरुद्ध था करेक्ट उसके बाद है कि ये रिवोल्ट जो है डक्कन फार्मर रिलीफ एक्ट के साथ एंड हुआ ये भी करेक्ट तो आंसर हो जाएगा बोथ एक सौ ग्यारह नंबर बताना है कि आर्टिकल नंबर एक सौ बारह में हमारे संविधान में बजट के बारे में लिखा हुआ है ठीक है मतलब बजट के बारे में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो इसको हम वही मान लेते हैं बजट टर्म जो है एक्सप्लिसिटली संविधान में कहीं नहीं लिखा है इसमें बता रहे हैं कि लिखा है तो ये गलत हो गया हमारा केवल पहला वाला सही है ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली वन पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है तो ये किया गया आर्टिकल नंबर दो ई में ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है लॉर्ड रिपन को ऑप्शन नंबर बी भारत में कितने प्रकार की शहरी शासन व्यवस्था है तो ये है आठ प्रकार की ऑप्शन नंबर सी इनमें से कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में बताया गया है तो ये बताया गया है सिक्सटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ठीक है इसमें इसका नाम चेंज किया उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया ठीक है और ओडिशा को ओडिशा किया गया ऑप्शन नंबर ए संविधान की किस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान है ये है पार्ट नंबर टेन में ऑप्शन नंबर बी कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल नंबर तीन सौ चौबीस ऑप्शन नंबर सी सही कथन चुनना है आर्टिकल इसमें क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठारह में पहला है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है करेक्ट है लेकिन जो यूपीएससी के मेंबर है वो अध्यक्ष बन सकते हैं पुनः पुनः नियुक्ति उनकी हो सकती है अध्यक्ष के तौर पर दोबारा सदस्य के तौर पर नहीं और साथ ही साथ वो जो है राज्य लोक सेवा आयोग के भी जो है सदस्य बन सकते हैं या अध्यक्ष बन सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं ठीक है सदस्य नहीं तो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें लिखा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर जो में रीअपॉइंटमेंट के काबिल नहीं है तो रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है लेकिन अध्यक्ष के पद पर राज्य लोक सेवा आयोग में भी हो सकता है उनका अध्यक्ष के पद पर यहां पर हमारा सही है ओनली वन में से कौन सा सही है पहला है कि संविधान के अनुच्छेद एक में नियंत्रक और महालिखा परीक्षक के बारे में लिखा है करेक्ट है उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सी ए जी भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है यह भी करेक्ट हो गया आंसर हो गया बोथ सी अब पर सुमेलित करना है संवैधानिक समितियां और अध्यक्ष इनके कौन कौन बने हैं उसको मैच करना है तो यूनियन पार कमेटी जवाहरलाल नेहरू ठीक है और स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद प्रोविंशियल प्रांतीय संविधान कमेटी इसके हैं सरदार पटेल और ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा, सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था यह चुना गया था इनको ग्यारह दिसंबर 1946 छियालीस को ऑप्शन नंबर बी भारतीय संसदीय प्रणाली का कौन सी विशेषता नहीं है तो इसमें सोवरिटी है सोशलिज्म भी है सेक्युलरिज्म uh, तो है ही लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है पंचायत लेवल पर भले ही देखने को मिल जाए वैसे हमारे यहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ऑप्शन नंबर सी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है तो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संबंधित है आर्टिकल नंबर थ्री संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है फंडामेंटल राइट्स जिसमें दिए हुए हैं भाग तीन में किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब एक लीगल राइट बनाया गया है तो यहां पर हुआ था चवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट में सबसे जो है मतलब कैसे हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ में सबसे फार्थेस्ट पॉइंट भारतीय सीमा का कौन सा है तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में की ऑप्शन नंबर डी आपका वेस्ट में गौर माता है इंदिरा पॉइंट है आपका साउथ में और नॉर्थ का आप बता दीजिए कमेंट करके हाल ही में भारत सरकार ने किस द्वीप समूह का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है यह है रोस द्वीप ऑप्शन नंबर सी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी तृतीय क्रम की चट्टानों का उदाहरण है तो यह है हिमालयन रेंज ऑप्शन नंबर सी निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है ठीक है इसका आंसर है थ्री वन टू फोर थ्री वन टू फोर जेलम रावी ब्यास ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर देख लीजिएगा यही है गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये किस श्रेणी पर अवस्थित है तो ये है कुमाऊं रेंज पर ऑप्शन नंबर बी बुरजिल दर्रा निम्न में से किस श्रेणी पर है तो ये है आपका पीर पंजाल पर ऑप्शन नंबर ए पहला स्टेटमेंट है एक सौ बत्तीस का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के मध्य में निम्न दाब का क्षेत्र होता है ये करेक्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं आपके सदर्नोस्फेर में यहां पर लिखा हुआ है दक्षिणावर्त घूमते हैं जबकि होना चाहिए वामावर्त घूमते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपका पांच दिसंबर को पांच दिसंबर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट ये आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश रीजन में पाए जाते हैं ये सही है लेकिन ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट के लिए इतना ज़्यादा रेन नहीं चाहिए सेंटीमीटर से सौ सेंटीमीटर में ही काम हो जाएगा तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली टू सोलह वन स्थिति रिपोर्ट जो आई दो हजार उन्नीस की इसके अनुसार भारत का सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा इसमें पूछा है लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर परसेंटेज ऑफ जोफा जोग्राफिकल एरिया वाइज सबसे कम कहाँ पर है ये हरियाणा में है ठीक है ये आपका थ्री परसेंट भी नहीं है शायद टोटल जोग्राफिकल एरिया का ऑप्शन नंबर सी आई सफार के जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा वरना हमारा वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पर देख सकते हैं सर्वाधिक वन कहाँ पर है आप देखें तो सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ट्री कवर महाराष्ट्र में

फिर आपका टर्की भी टच हो रहा है रोमानिया भी टच हो रहा है तो इसमें आप सीरिया कहीं नहीं देख पा रहे हैं सीरिया नहीं टच कर रहा है इसको बाकी जॉर्जिया कर रहा है यूक्रेन कर रहा है बुल्गारिया कर रहा है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीरिया ऑप्शन नंबर सी अब कौन सा जो है गलत मिलाया हुआ है बताना है तो किरकुक वाला गलत मिलाया है ये इराक होना चाहिए यहां पर भी बाकी इरबिल इराक में अलेप्पो भी सीरिया में मोसूल इराक में ये सारे सही है तो इसमें बताना है करेक्टली मैच कौन कौन सा है टू थ्री फोर ऑप्शन नंबर डी किरकुक भी होना चाहिए इराक में यहाँ पर ईरान लिखा हुआ है अफ्रीका द्वीप के पश्चिमी तट पर जो स्थित है उस देश का नाम बताना है तो इरिट्रिया हो नहीं सकता इथोपिया हो नहीं सकता जिबूटी सोमालिया हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के ईस्टर्न साइड बनता है तो ये जो है डिस्कार्ड हो गए अब देख लेते हैं मैप में जिम्बाब्वे बचा है और अंगोला बचा है तो अफ्रीका में अगर हम देखें तो यहाँ पर जिम्बाब्वे है ये आपका वेस्ट की तरफ है ज्यादा या फिर हम कह सकते हैं मिडिल में ये हमारा अंगोला है और ये जो है आपके अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में पड़ रहा है इसकी कैपिटल है लुआंडा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंगोला ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली के लिए रिंग रोड का महत्व क्या है बताइए आप कमेंट करके इसका आंसर इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में तो पहला क्वेश्चन होगा नंबर वन अ लार्ज क्यूब वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री फोर्टी थ्री स्मॉलर क्यूब्स एक बड़ा सा क्यूब था इसको आपने काटा और काटने के बाद आपको क्यूब भी मिला कोई और फिगर आपको नहीं मिला और ऐसे ऐसे तीन सौ तिरालीस छोटे छोटे क्यूब आपको मिले इफ द साइड ऑफ द लार्जर क्यूब वॉज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर अब ये जो क्यूब है इसकी साइड इक्कीस सेंटीमीटर की है वॉट वुड बी द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब ऑपटेंड आफ्टर कटिंग द बिगर क्यूब इसको काटने के बाद जो तीन सौ क्यूब मिले हैं ना आपको उनमें से हरेक की अगर आप बात करेंगे तो उसकी साइड क्या होगी ये आप बता दीजिए तो जब भी किसी थ्री डी फिगर को काट के दूसरे कई सारे थ्री डी फिगर बनाए जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो वॉल्यूम पहले था जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन बाद में भी होगा V1 वन बराबर वी जो पहले का वॉल्यूम है वही बाद का वॉल्यूम है पहले का वॉल्यूम मतलब जो शुरुआती फिगर आपके पास था बड़ा सा क्यूब उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब 21 का क्यूब यही वॉल्यूम बराबर होगा ऐसे ऐसे सभी तीन छोटे छोटे क्यूब के वॉल्यूम के तो ऐसे ऐसे तीन क्यूब हैं और हर एक क्यूब का वॉल्यूम है स्मॉल ए का क्यूब जहाँ पे स्मॉल ए क्या है साइड है छोटे क्यूब की छोटे क्यूब की साइड है 21 का क्यूब तीन को आप लिख सकते हैं 7 का क्यूब और ये ए क्यूब क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ ये किस होगा ये सेवन इन a, ए बराबर आ जाएगा तीन यही आपसे पूछा था ऑप्शन डी इफ़ जुडिशल इज़ रिटर्न एज दिस अगर आप जुडिशल जो वर्ड है और जो इसका कोड है उसके अगर सभी लेटर को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो लेटर यहाँ पे यूज़ हुए हैं वह एक्जैक्टली exactly वही यहाँ पे यूज़ हुए हैं बस पोजीशन में उनकी फर्क है ये है वर्ड जुडिशियल और ये है इसका कोड सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और इसका जो कोड है वो है एल ए यू जे आई सी आई डी तो एट सेवन उसके बाद में टू वन आई है यहाँ पे इधर वाला लेंगे पहले फोर फाइव और ये वाला आई जो है वो सेवन है डी है तीन तो जो ये वाला वर्ड है ग्लोरियस इसकी नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सबसे पहले एट सेवन यानी यूएस एस सॉरी एस यू आपको शुरू में एस यू चाहिए यहां पे और यहां पे ऑप्शन ए और सी में शुरू में आपको एस यू नहीं मिला तो आप काट दीजिए एट सेवन के बाद आपको चाहिए था टू वन यानी एल जी टू वन के बाद आपको चाहिए फोर फाइव यानी आर आई लेकिन आर आई तो इनमें से कहीं ऑप्शन में नहीं है तो कन्फ्यूज़न इस बात की है कि आई कौन सा वाला उठाएं तो आई मैंने ये फोर नंबर का उठा लिया ये सेवन नंबर का उठाना था और ये पाँच हो जाएगा सेवन चार हो जाएगा इनफैक्ट बिकॉज़ पाँच सी है उसके बाद आपको चाहिए सेवन फ़ाइव सेवन नहीं सॉरी ये सिक्स होगा यहाँ पे सिक्स फाइव क्या है ओ आई तो एस यू एल के बाद आपको एस यू एल के बाद एस यू एल जी के बाद आपको ओ आई चाहिए ऑप्शन डी में है इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे उसके बाद आते हैं तीन नंबर पे यह भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही है अगर रीज़न को पाँच लिखते हैं बिलीव्ड को सात तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे बहुत ही आसान सा है इसमें कुछ है नहीं रीज़न में आपको ना न्यूमेरिकल इक्वलेंट देखना है ना ही कोई पोजीशन। बस आपको सीधे सीधे अल्फ़ाबेट गिन लेने हैं एक दो तीन चार पाँच छः तो ये छः ना हो के पाँच तो जितने अल्फाबेट हैं उससे एक कम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो आठ ना हो के सात उसके बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो दस ना हो के नौ बी ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही है इसमें रेड को ग्रीन कहते हैं और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आपसे एक्जैक्टली exactly पूछा क्या है तो वॉट विल बी द कलर ऑफ द लीफ ऑफ रोज प्लांट जो गुलाब का पौधा है उसकी जो पत्ती है उसका रंग क्या होगा तो हरा होगा हरा को क्या कहेंगे ग्रीन को क्या कहेंगे तो लिखा है ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो तो हमारा आंसर भी येलो होगा ए अगला देखते हैं पाँच नंबर और ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का राम स्टैंड फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ ये इस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है ऐसे देख रहा है मतलब ही फर्स्ट रोटेट फोर्टी फाइव डिग्री क्लाक वाइज एंड देन थर्टी फाइव इन दायरेक्शन तो क्लाकवाइज पहले वो पैंतालीस चला फिर एक सौ पैंतीस तो क्लाकवाइज अभी कितना चल चुका है तेरह चार सत्रह और पांच पांच दस वन एटी क्लाकवाइज चल चुका है आफ्टर दिस ही रोटेट नाइंटी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज एंड फाइनली वन एट्टी इन एंटी क्लाक डायरेक्शन एंटी क्लाक कितना चल चुका है अठारह नौ सत्ताईस यानी दो सौ सत्तर एंटी क्लाक हमेशा हम लोग करते हैं इस वाले केस में क्लाक वाइज माइनस एंटी क्लाक वाइज एक सौ अस्सी माइनस दो सौ सत्तर यानि माइनस नाइन्टी माइनस का मतलब ये हुआ कि जो भी डायरेक्शन आपको दी है उससे एंटी क्लॉकवाइज आपको मुड़ना मुड़ना है वो भी 90 मान लीजिए यहीं पे प्लस का आंसर आ रहा होता तो हम लोग उस केस में क्लॉकवाइज मुड़ गए होते फिलहाल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इधर से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस डायरेक्शन में बिकॉज ऐसे घड़ी नहीं चलती है 90 मुड़ना है तो ये एंगल 90 हो गया इधर हम लोग आ जाएंगे ये डायरेक्शन कौन सी है तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम सी साउथ वेस्ट सरिता वेंट फॉर अ वॉक ड्यूरिंग द सनराइज सनराइज का मतलब यह है कि सरिता अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है उत्तर की ओर वो देख रही है यह है सरिता और हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी सूर्योदय होता है तो ईस्ट की डायरेक्शन में सूर्य निकलता है ये ईस्ट की डायरेक्शन है ये वाली तो यहाँ पे सरिता के रिस्पेक्ट में जो सूर्य है वो राइट में है तो सरिता की जो शेडो होगी वो उसके लेफ्ट में हो जाएगी ये कुल मिला के यहाँ पे कंसेप्ट लगता है तो ये है सरिता की शैडो जिसको मैं एस डैश से दिखा रहा हूँ अब क्या यही कंडीशन लगेगी वो आगे हमें देखना होगा हर फ्रेंड रीता एट दी सेम टाइम कमिंग फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन सो दैट सरिता शेडो इज़ ऑन हर राइट साइड अब ये जो हर है वो सरिता के लिए ही प्रयोग किया गया है ध्यान रखिएगा जो उसकी दोस्त है रीता वो ये देख रही थी कि जब वो सरिता की तरफ आई तो सरिता की शेडो जो है वो इसके अब यहाँ पे एक चीज़ के लिए खेद है कि यहाँ पे जो हर है वो सरिता के लिए प्रयोग किया गया है ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो शेडो है वो सरिता के लेफ्ट में फिलहाल रखी है हम ये मान के चलते हैं कि जो सरिता की शेडो है वो रीता के राइट में है तो अगर रीता ऐसे आ रही है तो ये इसका राइट है और यही तो है सरिता की शेडो इसके एग्जैक्टली exactly राइट right में दाहिनी तरफ ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी जब सरिता नॉर्थ की तरफ देखेगी और ये साउथ की तरफ तो अगर ऐसा है तो ये जो रीता है वो इधर देख रही है ना साउथ की तरफ इसका मतलब कहाँ से आ रही है वो नॉर्थ की तरफ से अगर ऐसा है तो इसका आंसर नॉर्थ होगा बी अदरवाइज अगर ये जो हर है इसको हम सरिता के लिए ही प्रयोग करें इसका मतलब सरिता की ये जो शेडो है वो उसके लेफ्ट में ना हो के राइट में पड़नी चाहिए इसका मतलब ये केस उल्टा होना चाहिए इसका मतलब होना ये चाहिए कि जो रीता है वो नॉर्थ की तरफ से देख रही है और साउथ की तरफ से आ रही है तो अगर ये जो हर है हम सरिता के लिए प्रयोग करें तब इसका आंसर साउथ होगा आई होप दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी माँ सॉरी उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो अगर कोई विमेन ये कहती है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री तो इसका मतलब वो स्वयं अपनी बात कर रही है तो ये जो पूरा सेंटेंस है मेरी माँ की इकलौती पुत्री इसको रिप्लेस करना पड़ेगा स्वयं मैं से उसकी पत्नी मैं हूँ ऐसा कहना है इस औरत का तो बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है मतलब वो औरत कौन है उस पुरुष की तो उसने खुद ही तो अभी अभी स्वीकार किया है कि वो पत्नी है डी वाइफ सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम तो ये सुरेश है ये इसकी बहन है यहाँ पे कहीं फ़िलहाल इनका नाम हमको नहीं पता अब ये जो पत्नी है वो राम की हैं आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा राम इज़ रानी ब्रदर राम जो है वो रानी का भाई है यानी राम और रानी आपस में भाई बहन हैं राम्स फादर इज मधुर राम के पिता कौन है तो मधुर और साथ ही साथ वो रानी के भी पिता होंगे बिकॉज राम और रानी एक ही संतान मतलब किसी की एक ही संतान हैं तो ये हो गए मधुर <coughs> उसके बाद शीतल इज़ राम्स ग्रैंड मदर राम की दादी कौन है शीतल राम की दादी का मतलब मधुर की माँ बिकॉज राम के पिता मधुर हैं ये शीतल ये हुआ रीमा इज शीतल डॉटर इन लॉ शीतल की बहू का मतलब क्या है शीतल का जो भी बेटा है उसकी पत्नी शीतल के बेटे कौन है तो मधुर तो मधुर की पत्नी कौन है रीमा ये हुआ अभी तक रोहित इज द सन ऑफ रानीज ब्रदर रानी का भाई कौन है राम इस राम का बेटा कौन है रोहित अभी तक ये हुआ हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश रोहित का सुरेश के साथ क्या संबंध है अगर आप रोहित की बात करेंगे तो उसके माता पिता कौन हैं? राम और राम और ये जो हैं बिकॉज राम की पत्नी ये हैं रानी तो उनकी बहन है ना तो ये दोनों हुए रोहित के माता पिता सुरेश कौन है रोहित की माता के भाई तो सुरेश के हिसाब से रोहित कौन है बहन का बेटा है यानी भांजा और यही तो आपसे पूछा है हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश रोहित कौन है भांजा है ए नेफ्यू ये क्वेश्चन कीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का चार गुणे में चालीस से दस बना दिया पांच गुणे में पांच से एक और ये तो बताइए ग्यारह गुणे ग्यारह क्या होगा अगर हम चार दहम करें तो चालीस मतलब गुणा आपको फर्स्ट का और इक्वल टू के बाद जो है उसका कराना है पाँच एक्म पाँच सात इक्कम सात ग्यारह में किसका मल्टीप्लाई करें कि ग्यारह आ जाए तो एक का मल्टीप्लाई कराना होगा एक कहाँ पे है ऑप्शन ए में ट्रेन इज रनिंग थ्री मिनट्स लेट एक ट्रेन है जो कि पहले से तीन मिनट लेट चल रही है एंड फर्दर इट इज गेटिंग डिलेड बाय थ्री सेकेंड्स एवरी मिनट और इसके आगे हर एक मिनट में तीन सेकेंड लेट होती चली जाएगी आफ्टर हाउ मच टाइम दिस ट्रेन विल बी डिलेड बाई वन फुल इन इनमें से कितने मिनट बाद ट्रेन पूरे एक घंटा लेट हो जाएगी तो एक मिनट में तीन सेकेंड लेट हो जाती है तो एक घंटे में यानी साठ मिनट में कितने सेकेंड लेट हो जाएगी इधर हमने 60 का गुणा कराया तो इधर भी कराएंगे 60 तीन आई एक सौ अस्सी सेकेंड लेट हो जाएगी यानी कि तीन मिनट लेट हो जाएगी बिकॉज 60 सेकेंड में एक मिनट तो 180 सौ सेकेंड में तीन गुना यानी तीन मिनट तो एक घंटे में तीन मिनट लेट हो जाती है ये ट्रेन अब हमें कितने मिनट का देखना है हमें इस ट्रेन को पूरा एक घंटा लेट करवाना है यानी साठ मिनट तीन मिनट पहले से लेट चल रही है तो बाकी कितने मिनट हैं आपके पास इसको एक घंटा लेट करवाने के लिए बाकी के सत्तावन मिनट तो एक घंटे में पता है तीन मिनट लेट होने वाली है तो सत्तावन मिनट लेट होने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे? तीन से सत्तावन कैसे बना सकते हैं उन्नीस का गुणा करके तो इधर भी हम उन्नीस का गुणा करा देंगे उन्नीस घंटे में अगर घंटे में आंसर बताना होता तो उन्नीस घंटे आ चुका है मिनट में बताना है ना तो साठ का गुणा कराएंगे उन्नीस को लिख दीजिए बीस माइनस एक बारह सौ माइनस साठ यानी कि ग्यारह सौ चालीस मिनट ऑप्शन सी रीताज रैंक इज इलेवेंथ फ्रॉम आइदर साइड इन आ रो किसी लाइन में चाहे आप लेफ्ट से बात करें चाहे राइट right से रीता की रैंक ग्यारह है तो बताइए उस लाइन में कितनी लड़कियां हैं टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन जहाँ पे एल आर का मतलब है कि सेम बंदे की लेफ्ट और राइट से अलग अलग रैंक अगर सेम भी हो तो भी कोई बात नहीं ये हो जाएगा 11 प्लस ग्यारह माइनस एक बाईस माइनस एक यानी कि 21 स्टूडेंट होंगे सी कथिर इज ओल्डर देन गणेश और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं। तो ऐसे में हमेशा ये जान लेना चाहिए पहले कि पूछा क्या है आपसे एग्जैक्टली तो हु इज द एल्डेस्ट सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है यह पूछा है ना तो देखिए सबसे बड़ा व्यक्ति वही होगा जो किसी से छोटा ना हो तो यहाँ पे हम एक काम ये करेंगे कि जो भी बंदा किसी ना किसी से छोटा निकला उसको हम अपने ऑप्शन से बाहर कर देंगे काथिर इज ओल्डर देन गणेश काथिर गणेश से बड़ा है इसका मतलब गणेश इससे छोटा हो गया ना और अगर गणेश छोटा हो गया तो वो बड़ा नहीं हो सकता किसी से ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया गणेश इज ओल्डर देन अप्रू गणेश अपरू से बड़ा है तो इसका मतलब अपरू छोटा हो गया ना उससे अपरू भी बाहर हो गए अपरू इज़ ओल्डर देन राजू अपरू राजू से बड़े हैं इसका मतलब राजू इनसे छोटे हो गए राजू भी हमारी लिस्ट से बाहर हो गए राजू भी बाहर सिर्फ एक ऑप्शन बचा कथिर इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे उसके बाद आते हैं तेरह नंबर पे नंबर सीरीज़ का ये सवाल है शुरुआत हुई है दो डिजिट के नंबर पे और अंत हुआ है तीन डिजिट के नंबर पे तो सीधा सीधा डिफरेंस लिया जा सकता है इक्यावन छियासठ के बीच में पंद्रह का छियासठ तिरासी के बीच में तिरासी माइनस छियासठ यानी सत्रह तिरासी एक सौ दो के बीच में उन्नीस एक सौ दो एक सौ तेईस के बीच में इक्कीस एक सौ तेईस एक सौ छियालीस के बीच में तेईस तो जो डिफरेंस है वो दो दो बढ़ रहा है पहले पंद्रह का था फिर सत्रह फिर उन्नीस इक्कीस तेईस तो इधर भी दो का बढ़ेगा पच्चीस का डिफरेंस आगे हमें लेना पड़ेगा एक सौ छियालीस में पच्चीस ऐड करिएगा तो आएगा एक सौ इकहत्तर द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ट्वेंटी फाइव अगर पहला नंबर एक्स है दूसरा वाई है इन दोनों को मिला के होगा पच्चीस इक्वेशन वन एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 144 फोर्टी फोर एक्स इंटू वाई हुआ एक सौ चवालीस वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस मान लिया जाए कि एक्स बड़ा है तो डिफरेंस क्या होगा एक्स माइनस वाई और यही आपको निकालना है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा बस सुनते जाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई होता है अगर हम इसमें टू एक्स वाई जोड़ दें और इतना ही निकाल लें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं ये फॉर्मूला होता है और ये मैंने अभी अपनी तरफ से किया ये भी क्यों किया ये समझ में आएगा आगे हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई एक तरफ ले लेंगे और माइनस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई यानी माइनस फोर एक्स वाई दूसरी तरफ ले लेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई ये क्या निकाला हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें क्या चाहिए एक्स माइनस वाई तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा तो एक्स माइनस वाई इधर आएगा और ये पूरी चीज़ स्क्वायर रूट में चली जाएगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई बस वैल्यू पुट कर दीजिए बिकॉज आपके पास एक्स प्लस वाई है और एक्स वाई भी है इसी वजह से इतना सा, सारा काम किया है जो कि मन में भी किया जा सकता था अगर आपको अल्जब्रा की हल्की बहुत समझ होती तो खैर एक्स प्लस वाई यहाँ पे पच्चीस है तो पच्चीस का स्क्वायर फोर एक्स वाई है वन फोर्टी फोर पच्चीस का स्क्वायर छः सौ पच्चीस चौदह चौक के छप्पन पाँच सौ साठ और चार चौक सोलह पाँच यह आ जाएगा उनचास जो कि होता है सात सी उसके बाद देखते हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन ऑफ दी फोर कंजर्वेटिव प्राइम नंबर्स दैट ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में चार प्राइम नंबर लगातार लगे हुए हैं द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री इज 385, उनमें से अगर पहले तीन को आपस में गुणा करेंगे आप तो रिज़ल्ट आएगा तीन सौ पिचासी एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट थ्री इज़ वन डबल ज़ीरो वन और अगर आखिर के तीन नंबर को आपस में गुणा करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा एक हज़ार एक अकॉर्डिंगली वॉट इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इनमें से बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा ऑप्शन के हिसाब से चलना इसमें सबसे बेस्ट रहेगा अगर सबसे बड़ा नंबर ग्यारह है तो उसके पहले वाला सात है इसके पहले वाला पाँच और फिर है तीन क्या सात पंजे पैंतीस तिया एक सौ पाँच तीन सौ पचासी के बराबर है नहीं पहली कंडीशन गलत हो गई इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया दूसरे पे आते हैं इन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा नंबर है तेरह तेरह सबसे बड़ा है तो उसके ठीक पहले वाला ग्यारह फिर सात और फिर पाँच इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा ग्यारह सत्ते सतहत्तर इंटू पाँच यानी चार सौ माइनस पंद्रह तीन सौ पचासी पहली कंडीशन एकदम ठीक है इन तीनों को गुणा करने पे क्या आएगा तेरह सत्ते इक्यानवे गुणे में ग्यारह नौ एक एक हजार एक बस आ गया इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर ग्यारह ही होगा बी फिर आते हैं सिक्सटीन नंबर पे ईच बॉय इन अ क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स एक क्लास है जिसमें कुछ लड़के हैं बॉयज और कुछ लड़कियां हैं और ये रहे टोटल स्टूडेंट जिसमें लड़के लड़की दोनों शामिल होंगे अगर नंबर की बात करें मान लीजिए क्लास में टोटल लड़के एक्स हैं और टोटल लड़कियां वाई हैं तो एक्स प्लस वाई साठ के बराबर है इक्वेशन नंबर वन क्योंकि लड़के लड़की मिला के साठ लोग हैं वहाँ पे अब उसके बाद कंट्रीब्यूशन पे आते हैं अगर क्लास के हर एक लड़के की बात करें हर एक लड़के की तो उसने कितने रुपए दिए उसने ठीक उतने ही रुपए दिए जितनी क्लास में लड़कियाँ हैं तो हर एक बंदे ने हर एक लड़के ने कितने रुपए दिए होंगे जितनी लड़कियां हैं यानी बाई रुपए दिए होंगे और हर एक लड़की ने कितने रुपए दिए जितने क्लास में लड़के थे यानी एक्स रुपए दिए तो बॉयज़ की तरफ से टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्लास में कितने लड़के हैं और हर एक लड़के ने कितना दिया तो क्लास में एक्स लड़के थे और हर एक लड़के ने वाई दिए तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी एक्स इन वाई आपको उतने रुपए बता देगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कों ने दिए हैं और अगर गर्ल्स के बारे में अगर आप बात करें तो इसका भी एक्स इन वाई आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन आपको मिलाना पड़ेगा लड़के लड़कियों दोनों का एक्स वाई प्लस एक्स वाई यानी टू एक्स वाई ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है सोलह सौ सो रुपए एक्स वाई बराबर आ जाएगा आठ सौ इक्वेशन दो पहली इक्वेशन में एक्स प्लस वाई साठ है दूसरे में एक्स वाई आठ सौ है तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इन दोनों इक्वेशन को अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए आंसर बताइए यहां पे हम चलेंगे हिट एंड ट्रायल से अगर क्लास में लड़के पचास हैं तो लड़कियां बाकी की दस होंगी क्या इनका प्रोडक्ट आपको आठ सौ देगा पचास इंटू दस नहीं गलत ऑप्शन बी के हिसाब से अगर लड़के पैंतालीस हैं तो लड़कियां बाकी की पंद्रह होंगी इनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा 800 तो बिल्कुल नहीं देने वाला है क्योंकि साढ़े चार सौ और दो सौ पच्चीस छः सौ पिछहत्तर नहीं ये नहीं हो सकता बिकॉज x इन वाई हमें 800 चाहिए इक्वेशन दो के हिसाब से ऑप्शन सी के हिसाब से अगर क्लास में 20 लड़के हैं तो बाकी की 40 लड़कियां होंगी क्या इनका प्रोडक्ट आपको 800 देगा उतना ही देगा तो बस इतने ही लड़के होंगे सी इंस्टेड ऑफ़ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई फाइव बाई थ्री अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई इस थ्री बाई फाइव ये अगर कोई नंबर है इसको करना था पाँच बटे तीन लेकिन एक लड़का जो है वो, वो तीन बटे पाँच कर बैठा तो ज़ाहिर सी बात है कि जो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी उससे हट के वैल्यू यहाँ पर आएगी तो बताइए परसेंटेज वाइज कितने का डिफरेंस हो जाएगा कैलकुलेसन में तो नंबर हम ऐसा मानेंगे जो कि तीन पाँच दोनों से कट जाए क्योंकि जब पाँच बटे तीन करेंगे तो तब, तब हमें चाहिए रहेगा कि नंबर तीन से कट जाए और अगर हम तीन बटे पाँच करेंगे तो हमें चाहिए होगा कि वो नंबर पाँच से डिवाइड हो जाए तो पाँच और तीन का एल्सीय यानी कि पंद्रह मान लीजिए वो नंबर है अब ये तो है कि क्या करना था करना था आपको पाँच बटे तीन किसका पंद्रह का बिकॉज़ पंद्रह हमने नंबर माना है तो रिजल्ट आना था 25 लेकिन क्या किया तीन बटे पांच किया पंद्रह का आ चुका है नौ तो आना चाहिए था पच्चीस आ चुका है नौ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है पच्चीस माइनस नौ यानी सोलह कितने पे इनिशियल वैल्यू पे यानी जो करना था उससे डिवाइड करेंगे सौ से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज आपको परसेंटेज चाहिए सोलह चौके चौंसठ परसेंट डी वाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच इफ सेवन ट्वेंटी नाइन एंड नाइन जीरो वन आर डिडेड दैन दिन रिमाइंडर विल बी नाइन एंड फाइव तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिस जिससे सात सौ उनतीस को डिवाइड करने पर नौ रिमाइंडर आए तो सात सौ उनतीस को डिवाइड करने चले थे तो नौ रिमाइंडर आ गया यानी एक्स्ट्रा बच गया इसका मतलब ये हुआ कि अगर सात सौ उनतीस माइनस नौ यानी सात सौ बीस इसे अगर डिवाइड करने बैठते तो पूरा डिवाइड हो जाता नौ ज़्यादा हुआ तभी तो नौ बचाना तो नौ कम कर दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी ओर अगर हम नौ ज़ीरो एक को डिवाइड करते नौ सौ एक को मतलब तो हमें पांच रिमाइंडर मिल जाता लेकिन अगर हम पांच कम कर दें यानी आठ सौ छियानवे तो ये पूरा डिवाइड हो जाता तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से सबसे बड़ा जो कि इन दोनों को अलग अलग काट दे। अब देखिए पंद्रह जो है वो हमारा आंसर क्यों नहीं होगा क्योंकि आठ सौ छियानवे पंद्रह को काट ही नहीं पाएगा कभी कैसे पता चला पंद्रह तीन और पाँच से मिलके बना है ये पाँच वाले टेस्ट में फेल हो गया बिकॉज़ पाँच से अगर कोई नंबर कटता है तो आखिर में पाँच या फिर ज़ीरो होना चाहिए वो तो है नहीं और अगर तीन से कटना है किसी नंबर को तब उसके सम ऑफ डिजिट तीन से कटने चाहिए आठ नौ सत्रह छः तेईस तीन से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगा तो बस कंडीशन फेल ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा सोलह से अगर हम काटें सात सौ बीस को तो सिक्सटीन फोर जिक्सटी फोर सोलह पंजे अस्सी बस सोलह से ये कट गया एट नाइन्टी सिक्स देखते हैं कटता है कि नहीं सोलह पंजे अस्सी सोलह छि छियानवे ये भी कट गया सोलह हमारा आंसर हो सकता है उन्नीस नहीं होगा बिकॉज उन्नीस के टेबल में सात सौ बीस कभी आना ही नहीं है ये गलत बीस से देखते हैं देखिए जो बीस है वो सात सौ बीस को तो काट देगा लेकिन इसे नहीं काट पाएगा ये भी गया तो बस ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन विमेन एंड इज दिस यानी कि अगर उस फैक्ट्री में पांच आदमी हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी सात औरतें होंगी और तभी सात लड़के होंगे लेकिन जरूरी तो है नहीं कि यही हिसाब हो कितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो सकते हैं ये कंडीशन तब लगेगी जब 10 सात 17, पाँच 22 वर्कर हों लेकिन वर्कर 22 ना हो के 660 हैं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज़ तो बॉयज़ जो हैं वो पाँच ना हो के क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल करके आएगी 666 सौ छियासठ गुणे में पाँच बटे में बाईस तीस पंजे डेढ़ सौ इतने ही लड़के होंगे ए इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीस नंबर सवाल की इफ़ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द होल्ड वर्ल्ड इज दिस अगर हम ये मान के चलें कि जो भी अर्थ है पृथ्वी उसका शेप स्पेरिकल है और इस्पेरिकल को अगर हम आधा करेंगे इस गोले को तो आधा गोला ऊपर होगा और आधा नीचे होगा यानी जितना कंटेंट इस वाले हेमिसफेयर में है उतना ही इसके नीचे होगा इस लाइन के नीचे तो ऐसी कोई वैल्यू माननी पड़ेगी जो कि आधी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे दें मतलब इस लाइन के ऊपर और आधा हम इस लाइन के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में दे दें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये बात है तो अगर हम टोटल बात करें दो ही चीज़ें होती हैं अर्थ में मोटे तौर पर लैंड और वाटर इसका रेशियो दिया हुआ है एक बटे दो तो सबसे पहले हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो कि दो तीन एक दो सबसे कट जाए 120 यूनिट का कुल मिला के कंटेंट है इस पूरे गोले में और नॉर्दर्न में आधा जाना है तो 60 यूनिट का इधर आएगा और 60 यूनिट का कंटेंट साउदर्न एमस्फियर में जाएगा आप चाहें तो कोई और वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं लेकिन 120 ज़्यादा कन्वीनियंट है उस हिसाब से तो टोटल अगर 120 यूनिट है लेकिन हमारे हिसाब से टोटल एक और दो तीन हुए हुआ ना तो तीन का मतलब 120 सौ एक का मतलब 40 दो का मतलब 80 ये हिसाब किताब हुआ टोटल वर्ल्ड का अब उसके बाद अगर हम नॉर्दर्न हेमोस्फियर में देखें वहाँ पर भी लैंड होगा और वहाँ पर भी वाटर होगा टोटल यहाँ पे 60 होगा बिकॉज 120 टोटल था नॉर्दर्न को 60 मिलेगा इस साठ को किस रेशियो में बांटना है दो बटे तीन दो और तीन पाँच का मतलब साठ एक का मतलब बारह दो का मतलब चौबीस और तीन का मतलब छत्तीस ये बात है अब यही रेशियो हमें चाहिए साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का यही आपसे पूछा गया है तो लैंड में से लैंड को लेस करना पड़ेगा चालीस माइनस चौबीस बिकॉज टोटल में से नॉर्दर्न को लेस कर देंगे तो साउदर्न ही तो बचेगा चालीस माइनस चौबीस सोलह अस्सी माइनस छत्तीस चवालीस फ़ोर फोर जा फोर एलेवन ज़ा कितना रेशियो आया चार बटे ग्यारह बी द एवरेज एज ऑफ सिक्स सन्स इन अ फैमिली इज़ एट ईयर्स तो मान लीजिए छः लड़के हैं किसी फैमिली में मतलब बेटे हैं एस वन एस टू सन नंबर वन टू थ्री ऐसे करते करते छः बेटे हैं इन सब की अगर एवरेज एज की बात करें मतलब इन सब की जो टोटल एज है जो उसको जोड़ के छः से डिवाइड करने के बाद आठ है तो पहले कितना रहा होगा आठ छिंग अड़तालीस रहा होगा इक्वेशन वन एंड इंक्लूडिंग सन्स एंड देयर पेरेंट्स यानी एस वन एस टू टू एस सिक्स इनके अलावा अगर पेरेंट्स की बात करें जिसमें मदर और फादर दोनों शामिल होते हैं तब एवरेज एज बाईस हो जाती है तो टोटल एज कितनी होगी इस बार आठ गुना करना होगा बिकॉज छः तो ये बेटे हो गए मम्मी पापा ये दो लोग मिला के आठ हो गए एक सौ छिहत्तर इक्वेशन टू अगर दूसरी में से पहली को लेस करें तो ये पूरी चीज़ एस वन से लेकर एस सिक्स तक सब कैंसिल हो जाएगी और मदर प्लस फादर की वैल्यू बचेगी एक सौ छिहत्तर माइनस अड़तालीस जो कि हो जाएगा एक सौ अट्ठाईस के बराबर करके देख लीजिए यही आएगा तो दोनों की एज मिला के एक है ये मदर हैं और ये हैं फादर इफ द फादर इज एट ईयर सोल्डर देन देयर मदर जो पिता है वो अपनी पत्नी यानी इन सबों की मम्मी की एज से आठ साल ऊपर है तो अगर मम्मी की एज एक्स है तो पापा की हो जाएगी एक्स प्लस एट आठ साल ज्यादा इन दोनों की कुल मिला की एज इतनी हो जाएगी जो कि 128 के बराबर है 2x एक्स प्लस आठ बराबर एक तो 2x एक्स बराबर एक सौ बीस एक सौ माइनस आठ तो x बराबर हुआ 60 पूछा है हमसे वॉट इज द एज ऑफ द मदर तो मदर की एज तो x मानी थी ना जो कि 60 है सी किरण संयोग एंड किशोर स्टार्टेड अ बिजनेस फ्रॉम रुपीज फोर्टी सेवन हंड्रेड ये किरण हैं ये संयोग हैं और ये हैं किशोर सैतालीस सौ रुपये तीनों ने मिला के लगाए किसने कितना लगाया इस बात की जानकारी आपको आगे मिलेगी किरण इन्वेस्टेड रुपीज़ फाइव हंड्रेड मोर देन संयोग संयोग ने जितने भी रुपए लगाए मान लीजिए एक्स लगाए किरण ने उससे पाँच सौ रुपये ज़्यादा यानी एक्स प्लस फाइव हंड्रेड लगाए एंड संयोग इन्वेस्टेड रुपीज़ थ्री हंड्रेड मोर देन किशोर ये जो संयोग के एक्स रुपए हैं जो जो कि इसने लगाए हैं ये किशोर से 300 ज़्यादा हैं तो किशोर के इससे 300 कम होंगे ना एक्स माइनस थ्री अब इन तीनों ने कुल मिला के लगाए हैं सैंतालीस सौ ये हम लोगों को दिया हुआ है तीन एक्स प्लस पाँच सौ माइनस तीन सौ यानि दो सौ बराबर सैतालीस सौ तो तीन एक्स बराबर सैंतालीस सौ माइनस दो सौ पैंतालीस सौ एक्स की वैल्यू आ चुकी है पंद्रह सौ तो इंडिविजुअल किसने कितने रुपए लगाए ये चीज़ देख लेते हैं देखिए संयोग ने तो एक्स लगाए पंद्रह सौ किरण ने पाँच सौ ज़्यादा यानी दो हजार किशोर ने तीन सौ कम यानी बारह सौ ये इनके इन्वेस्टमेंट हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना चाहें जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे ले सकते हैं दो जीरो से दो चीरो तीनों तरफ काट दीजिए बाकी और कहीं कुछ कटेगा नहीं बीस बटे पंद्रह बटे बारह रेशियो आ चुका है अब यहाँ पे तीनों ने समान समय के लिए पैसे लगाए हैं जितने टाइम के लिए किरण ने उतने ही टाइम के लिए संयोग ने और उतने ही टाइम के लिए किशोर ने अपने अपने रुपए लगाए हैं तो ऐसे केस में जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही प्रॉफिट का भी बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो भी इतना ही हो जाएगा बीस पंद्रह और बारह यानी टोटल सैतालीस अगर प्रॉफिट है तो बीस किरण को मिला है पंद्रह रुपये मिले हैं संयोग को और बारह रुपये मिले हैं किशोर को इस बात का मतलब ये है लेकिन इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज़ रुपीज़ वन फोर वन जीरो टोटल प्रॉफिट सैंतालीस ना हो के चौदह सौ दस है तो बताइए हाउ मच डिविडेंड विल किरण गेट किरण को कितने मिलेंगे बीस यूनिट का मतलब बताइए क्योंकि किरण को हमारे हिसाब से बीस मिले हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी वन फोर वन जीरो इंटू ट्वेंटी बटे सैंतालीस सैंतालीस एक सौ इकतालीस और एक जीरो तीस गुड़े में बीस हुआ छः सौ ऑप्शन डी सौरभ बाउट थर्टी के जी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ़ रुपीज़ टेन पर के जी एंड थर्टी फाइव के जी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ़ रुपीज़ एलेवन पर के जी सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की यानी कितने कितने किलो चावल खरीदे गए तो पहले तीस किलो और उसके बाद में पैंतीस किलो चावल खरीदे गए अब आते हैं रेट पे कि कौन से रेट का चावल कितने रुपए किलो मिल रहा है तो जो चावल तीस किलो खरीदा गया वो दस रुपए प्रति किलो के हिसाब से था और जो चावल ग्यारह रुपए किलो के हिसाब से था वो पैंतीस किलो था यानी ये तो दस रुपए का चावल तीस किलो लेके आए ग्यारह रुपए का चावल पैंतीस किलो लेके आए तो एवरेज कॉस्ट जो कि आपकी जेब से रुपए लगे हैं चावल के ऊपर वो कितने लगे हैं कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा यानी रेट इनटू क्वांटिटी, रेट इनटू क्वांटिटी और इनका सम ऊपर लिखेंगे लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि हम 30-35 किलो यूज़ करें कैलकुलेशन को इजी करेंगे रेशियो निकालेंगे फ़ाइव सिक्स ज़ा फ़ाइव सेवन ज़ा टेन सिक्स ज़ा सिक्स ग्यारह सत्ते सतर डिवाइड किससे करते हैं रेशियो के सम से सात छः तेरह सात छः तेरह और सात वन फोर्टी सेवन इनफैक्ट वन थर्टी सेवन बटे तेरह इतने रुपए एवरेज कॉस्ट आ गई लेकिन आपसे अगर यही पूछा होता तब हम इसको टिक करते अदरवाइज देख लेते हैं क्या है देन ही शुड सेटल दैट मिक्सचर एट वॉट रेट पर के जी टू गेट थर्टी परसेंट प्रॉफिट एक सौ सैंतीस बटे तेरह रुपये तो इसकी जेब से लगे हैं कितने रुपए में इसको बेचना चाहिए ताकि इस पर तीस परसेंट का प्रॉफिट इसको हो जाए तीस परसेंट के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को तीस परसेंट से बढ़ा रहे हो उसे एक सौ तीस परसेंट बना रहे हो जिसका मतलब आप उसे तेरह बटे दस से गुणा कर रहे हो बिकॉज़ एक सौ तीस बटे सौ यही होता है तो इसको तीस परसेंट बढ़ाने का मतलब है इसको हमें तेरह बटे दस से गुणा करना पड़ेगा तेरह से तेरह कैंसिल ये आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सेवन ऑप्शन सी द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज ट्वेंटी सेवन मान लीजिए जो नंबर हैं वो ए बी सी डी ई हैं अगर एवरेज सत्ताईस है तो सम कितना होगा सम मतलब ये टोटल वैल्यू जो कि पांचों नंबर को जोड़ के हमें मिलेगी ये होता है एवरेज इनटू नंबर ये नंबर पांच है और एवरेज दिया हुआ है 27 तो 135, सौ पैंतीस सत्ताईस पंजे एक सौ इक्वेशन वन वन ऑफ देम इज़ रिमूव्ड मान लीजिए ई हटा दिया तो बचे नंबर कौन से हैं ए सी डी इस बार एवरेज दो कम हो गया 27 पहले था दो अभी कम हुआ कुल मिला के पच्चीस बचा इस बार सम कितना होगा 25 और की बार नंबर चार बचे हैं 25 चौके सौ इक्वेशन टू अगर पहली में से दूसरी को लेस करें तो ए बी सी डी ये सब कट जाएंगे ई e बच जाएगा 135 सौ पैंतीस माइनस सौ यानी पैंतीस अब यही ई e है जिसे हमने हटाया था उसकी वैल्यू आ गई पैंतीस फाइंड द रिमूव्ड नंबर तो पैंतीस बी द एवरेज ऑफ फाइव कंजिव नंबर इज दिस का नंबर का मतलब ये है जैसे तीन चार पाँच छः लगातार आने चाहिए बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए भी हो सकते हैं लेकिन बढ़ते हुए क्रम में एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होती है निकालने में तो अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा एक ज़्यादा होगा तीसरा दूसरे वाले से एक ज़्यादा होगा चौथा तीसरे वाले से एक ज़्यादा होगा पाँचवा चौथे वाले से एक ज़्यादा होगा तो ये नंबर आ गए आपके पास पाँच के पाँचों अब ये जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज लगातार दो एलिमेंट के बीच में हमेशा प्लस वन का ही गैप देखने को मिला है और ए की सीरीज की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका एवरेज एकदम बीचों बीच लाई करता है तो ये जो पूरी सीरीज है इसके बीचों बीच वाला एलिमेंट कौन सा है एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू हुआ कि नहीं बिकॉज दो नंबर इसके लेफ्ट में है दो ही राइट में है तो ये खुद किसके कहाँ है तो ये खुद बीच में है इन दोनों के आगे लिखा हुआ है इफ़ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर आल्सो एडेड यानी ये जो पूरी सीरीज है ये तो रहे ही साथ में दो नंबर और जुड़ जाएं x प्लस फाइव और x प्लस सिक्स तब बताइए ये जो सात नंबर की सीरीज है इसका एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो पहले तो हम यही बताएंगे कि इसका एवरेज कहाँ पे होगा एकदम बीच में यानी इधर तीन एलिमेंट इसके लेफ्ट में तीन इसके राइट में तो ये खुद कहाँ बीच में पहले एवरेज था एक्स प्लस टू की बार एवरेज है प्लस थ्री। इसका मतलब एक से बढ़ गया ना एवरेज पहले जो एवरेज था वो किसी चीज से दो ज्यादा था अब वो किसी चीज से तीन ज्यादा है तो एक से बढ़ गया कि नहीं तो एवरेज विल इंक्रीज बाय वन बी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले सेक्शन से ए सैलरीज थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट ये वन बाई टू नहीं वन बाई थ्री होगा साढ़े तैतीस परसेंट कम है बी की सैलरी से क्या ए की सैलरी ए बी तैतीस वन बाई तीन का मतलब होता है एक बटे तीन इसका फ्रैक्शन इक्वलेंट यानी अगर बी की सैलरी तीन थी तो ए की एक कम हो गई बिकॉज लिखा हुआ था थर्टी थ्री वन बाई पर थ्री परसेंट लेस तो तीन थी एक कम हो गई तो बची कितनी दो बची अकॉर्डिंगली बी इज वॉट परसेंट मोर देन ए सैलरी बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है तो पहले तो आप यही बताइए कितनी ज़्यादा है बी की सैलरी तीन यूनिट है तो ए की दो यूनिट है एक यूनिट ज़्यादा है कि नहीं कंपेयर किससे करना है ए की सैलरी से और हम डिवाइड उसी से करते हैं जिससे कंपेयर करना होता है दो पचास परसेंट सी